दोस्तों अभी तक आप जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जो भी सिम यूज़ कर रहे हो, आपको जो प्लान मिल रहे हैं वहाँ पर आपको मैक्सिमम 3 GB डेटा पर डे मिल रहा है। आप जो है यहाँ पर कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो 1.5 GB डेटा प्लान यूज़ करते हैं, जिसमें आपको रोजाना 1.5 GB डेटा रोजाना मिल जाता है। लेकिन ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है रोजाना इससे भी ज़्यादा डेटा की। तो दोस्तों आप लोगों के लिए आ गया है आप रोजाना 10 GB डेटा वाला प्लान, वो भी काफ़ी सस्ते में। जी हाँ दोस्तों, रोजाना आपको 10 GB डेटा मिलेगा। किस ऑपरेटर ने ये प्लान लॉन्च किया है, आप कैसे इसे ले सकते हैं और 4G पर ये प्लान मिलने वाला है, काफ़ी सस्ता होगा, सारी जो डिटेल होने वाली वो आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। और दोस्तों आप लोग हमें जो है इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी आप जरूर से जो है फॉलो कर लीजिएगा। सभी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर इससे पहले जो है मैं आपको जो 10 GB डेटा प्लान है उसको जो है बताने से पहले यहाँ पर बता दूँ कि जो जियो फाइबर है वो अब आपके शहर में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जियो फाइबर अब आपकी सिटी में आ गया है और आपकी सिटी के हिसाब से जियो ने जो है अलग अलग प्लान लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी सिटी में कौन से प्लान यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में जो पहला पिन कमेंट होने वाला है वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं रोजाना 10 GB डेटा प्लान के बारे में। दोस्तों अभी तक जियो हुआ, एयरटेल हुआ, आइडिया, वोडाफोन, मैंने आप लोगों को बताया रोजाना 3 GB डेटा आपको दे देते हैं, इससे ज़्यादा आपको डेटा किसी भी प्लान में नहीं मिल रहा है इन ऑपरेटर्स की तरफ से। लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी जो है BSNL जो अपनी 4G सर्विसेज पर काम कर रहा है, काफ़ी जो है यहाँ पर अब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो है यहाँ पर साउथ इंडिया से हैं जहाँ पर BSNL ने अपनी 4G सर्विसेज जो है लॉन्च की हुई है, और जो है मंगलुरु के अंदर भी अभी BSNL ने अपनी 4G सर्विसेज जो है लॉन्च की थी। तो अब जो उनके 4G यूजर्स हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 4G यूजर्स हैं उनके लिए BSNL की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त दो प्लान आए हैं कि आप लोग जो है 4G पर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यूज़ करें। तो इसके लिए BSNL ने दो नए प्लान यहाँ पर अनाउंस किए हैं। वैसे यार जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं जैसे जियो हुआ, एयरटेल हुआ या वोडाफोन आइडिया हुआ, उनको भी इसी तरह के प्लान जो है जरूर से लॉन्च करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो है ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है और कॉलिंग वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनको भी ऐसे ही प्लान जरूर से लॉन्च करने चाहिए जिस तरह से BSNL ने अपने 4G यूजर्स के लिए जो है अनाउंस किए हैं। पहला जो प्लान है दोस्तों वो केवल 96 रुपीज़ का है। जी हाँ दोस्तों, केवल 96 रुपीज़ में आपको जो है 28 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और इन 28 दिनों में आपको रोजाना 10 GB डेटा मिल जाएगा और वो भी 4G डेटा आपका होने वाला है। काफ़ी ज़बरदस्त प्लान है, केवल 96 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। 96 रुपीज़ में क्या 100 रुपीज़ में जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं वो आपको जो है यहाँ पर जो 1 मंथ का प्लान भी फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन BSNL ने आपको बहुत ही बेहतरीन प्लान यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो मेरे हिसाब से यार बहुत ही ज़बरदस्त होगा अगर जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन भी इस तरह के प्लान लेकर आएँ जिसमें सिर्फ आपको डेटा मिले। सेकेंड जो प्लान होने वाला है दोस्तों वो यहाँ पर 236 रुपये वाला है। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो यहाँ पर 84 डेज़ की होगी। 84 डेज़ के लिए आपको रोजाना 10 GB डेटा मिल जाएगा। तो यार है ना दोनों बहुत ही बेहतरीन प्लान BSNL के 4G यूजर्स के लिए। और BSNL दोस्तों अपनी जो 4G सर्विसेज है वो पूरे इंडिया के अंदर 1 अप्रैल से जो है रोल आउट करना स्टार्ट कर देगा। 19 मंथ्स जो है BSNL को लगने वाले हैं पूरे इंडिया को कवर करने में। तो उसके बाद भी अगर BSNL ऐसे ही प्लान लेकर आएगा तो मेरे हिसाब से यार आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। वैसे यार आप लोग बताना कि आपको ये जो दोनों प्लान है वो यहाँ पर कैसे लगे और आप किस ऑपरेटर की तरफ से ऐसे ही प्लान लाना चाहते हैं, यानी कि जियो ऐसे ही प्लान लेकर आया, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, कौन सा ऑपरेटर ऐसे ही प्लान लेकर आए, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता देना।